सब्सिडी भी है क्या, उससे प्रोत्साहन आपको मिल रहा है? हाँ, मुझे नहीं मिला जी, मतलब जितने भी लोग यूपी में शूट कर रहे हैं लगभग सब लोगों को मिल रहा है, और इसके लिए मैं तहे दिल से यूपी सरकार को नमन करता हूँ। मतलब काफ़ी उससे राहत मिल रहा है लोगों को, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ जो फिल्म बना रहे हैं ना, इसमें जितने भी लोकल जो कलाकार हैं, लोकल कलाकार हमें मतलब उनका काफ़ी सपोर्ट मिलता है। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ जो फिल्म मतलब शूट करें तो लोकल कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा रहें। आप सर प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं फिल्म में, तो क्या समझते हैं फिल्म कहाँ तक पहुँची आपकी? ये एज ए प्रोड्यूसर मैं पहली बार इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसके पहले हमारा एक मराठी फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म जो हमने प्रोड्यूस की है। मैं लास्ट 25 सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ। सर भोजपुरी में देशभक्ति पिक्चर कम बनाई जा रही थी, तो क्या आप इस पिक्चर के माध्यम से देशभक्ति कुछ बढ़ावा देना चाह रहे हैं? हाँ, हमारा उद्देश्य है कि भोजपुरी फिल्म को लोगों जो है, अगर हम यूपी बिहार को छोड़ दें तो बाकी जगह पे ना लोग हे दृष्टि से देखते हैं, बोलते हैं इसमें बहुत ही वल्गर होते हैं। हम उसको हटाना चाहते हैं कि ऐसी नहीं है कि हम सिर्फ हिंदी फिल्म ही एक अच्छे देशभक्त फिल्म बन सकता है और भोजपुरी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते? और हम पहले से सोच के रखें कि हम देशभक्ति फिल्म बनाएंगे और ये चलेगा भी और ये हिट भी होगा। भोजपुरी फिल्मों और गानों में असली शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा था, क्या बोलेंगे इस पर आप? लोगों को अपनी सोच है कि करते हैं, बट हमने इस फिल्म में कहीं भी ऐसी चीज़ों को नहीं रखा है। हमने एक साफ सुथरा फिल्म बनाया है जो पूरे परिवार के साथ लोग जा कर के देख सकते हैं। आगे जनता के हाथ में है और इसको बहुत लोगों तक पहुंचाने में सबसे बड़ी हाथ हो रही है मीडिया वालों की, आप लोगों की। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो सर ने कहा, जो हमारा उद्देश्य है वो जन जन तक पहुंचे, कि मतलब भारत माता की जय अगर फिल्म बन रही है तो वाकई पूरे परिवार के साथ में एक मर्या